Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. तो आज फिर शाम को हम लोग निकल रहे हैं, मैं रिशु और मेरी सिस्टर। जैसे लास्ट टाइम ये हुआ था कि कूलर लेने का था तो हम लोग नहीं ले पाए थे, तो नहीं जम रहा, जब बैठूंगी तब कान बांध लूंगी, गर्म हवा कान में लगेगा तो लू लग जाएगा। चलो 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 चलो, तो अभी फिर निकल रहे हैं और अभी इसे निकलते हैं। ये टाइम सही इसलिए भी निकलने का क्योंकि इसमें धूप नहीं रहता, गर्म हवा नहीं रहता, और ऋषु को उस दिन मुझे लगता है लू ही लग गया था ना। गर्मी पड़ गई हमारे छत्तीसगढ़ में, भयानक गर्मी, मतलब ना ये धूप ना स्किन को एकदम काटता है, चूभता है। और कल मार्केट भी जाना है मुझे साड़ियाँ लाने के लिए, कैसे जाऊँगी, सुबह सुबह निकलना पड़ेगा 9 बजे सच में। चलो चले, तुम शूज पहनो, चलो निकलो। जय श्री राम। चलो, अरे लिप चला गया। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं। एक तो दिन को टाइम नहीं रहता, बहुत बिजी हो जाता शेड्यूल मेरा, ऊपर से गर्मी भी काफ़ी तेज है, इसलिए ना अंधेरा होने के बाद ही निकले हैं। और मेरे घर के पास में ही है क्रोमा, तो वहीं पर ही मैं जा रही हूँ देखने के लिए। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और कम कीमत में भी मिलते हैं, तो इसलिए वहीं पर जा रही हूँ। और मेरा कान ढक के जाना एकदम मेरा कैजुअल, बट ठंडी का समय, बरसात का गर्मी का समय हो। एक तो मेरा बाल बेबी हेयर से वो ख़राब हो जाते हैं, यहाँ निकल के पूरा मंजुलिका हो जाती हूँ, और साथ में कान में भी हवा लगता है। तो फाइनली देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं क्रोमा में, बस मुझे मिल जाए जो मैं लेना चाह रही थी। नहीं मिलेगा तो फिर इसके बाद और एक शॉप है जो काफ़ी दूर है, फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, अभी तो सोचिए अप्रैल का महीना है, मई जून, मतलब मई जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पहुँच जाती है। तो फिलहाल अभी एंटर कर रही हूँ, मन में बहुत उत्सुकता हो रही थी, खुशी भी हो रही थी। फाइनली आप अगर अपने मेहनत से कुछ चीज़ लेते हो ना तो उसकी वैल्यू अलग होती है, मतलब वो अलग ही खुशी का लेवल होता है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे, पहुँचने के साथ साथ यहाँ पे भैया को बोली एसी वगैरह दिखाने के लिए, तो बता रहे थे, दिखा रहे थे प्राइस वगैरह। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइनल किया है वोल्टास का 1.5 टन का एसी। तो फिर उसके बाद वो चेक कर रहे थे, चेक करने के बाद बोलते मैम शायद आउट ऑफ स्टॉक है करके। मैं बोली एक बार फिर से आप चेक करिए प्लीज़, क्योंकि मुझे लेना ही है जब मैं आई हूँ, क्योंकि कल से हम लोग घूम रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला मैम आउट ऑफ स्टॉक ही है। मैं बोली एक मैं चॉइस की भी आउट ऑफ स्टॉक, फिर बोले चलो ठीक है फिर हिताची का लेती हूँ 1.5 टन वाला। तो बोले ठीक है मैम, फिर मैंने उसको डन किया, फिर पता चला कि वो भी आउट ऑफ स्टॉक है और मुझे कुछ जम नहीं रहा था, काफ़ी महंगी महंगी थी 40,000-50,000 के, तो मुझे उतना महंगा मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगी। तो और लेना भी था मुझे एक ही बार में, देखिए एसी ऐसा आप ले लिए तो आपको फुर्सत है सालों तक। फिर मुझे गुस्सा आ रहा था यहाँ पे, मैं बोली एक तो कल गई, कल नहीं हुआ, आज आई, उसमें आज 2% की दोनों आउट ऑफ स्टॉक हैं। उसके बाद फिर यहाँ से मैं भैया को बोली आप थोड़ा चेक करिए, तो उनका जो क्रोमा में और कहीं पे है क्या करके नागपुर वगैरह में, तो बोले वहाँ पे भी नहीं है। फिर वहाँ से मैं मेरी बहन निकल पड़े, तो हम लोग बोले चलो ठीक है, हम लोग जो आपका थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से वहाँ चलेंगे, अनुपम गार्डन के सामने एक वोल्टास का शोरूम है वहाँ चलेंगे। तो चलो ठीक है, तो आते आते बहन लैपटॉप देख रही थी, कुछ नहीं मिला, किस्मत ही ख़राब है। पहले वोल्टास का एसी देखी तो वो आउट ऑफ स्टॉक है, हिताची का देखी वो भी आउट ऑफ स्टॉक है, कि मौसी लैपटॉप देख रही है। जाएंगे हम लोग दूसरी जगह, वहाँ पे अगर नहीं मिला फिर या तो ऑनलाइन खरीदूँगी या फिर कूलर ले लूँगी, दोनों में से कोई एक चीज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं वोल्टास के शोरूम में, यहाँ पे आपका सोनी एलजी मतलब हर कंपनी का आपको सामान मिल जाएगा। तो पहुँचने के बाद यहाँ पे मुझे वोल्टास का मिल गया था 1.5 टन वाला, तो अच्छा भी लग रहा था। तो आपका इसका प्राइस आपका मतलब मुझे बता रहे थे 32,000 तक पड़ेगा करके। फिर मुझसे पूछी कि आप एक जगह आपका घर है कि आपका मतलब ट्रांसफ़र होता रहता है घर से, किराए का घर हो गया, जॉब वगैरह हो गया करके। तो मैं बोली मैं तो किराए के घर पे रहती हूँ और अब तक मैं कम से कम 5 बार तो घर चेंज कर ही चुकी हूँ, आगे भी शायद कर सकती हूँ, क्योंकि किराए का घर होता है ना तो थोड़ा सा चेंज करने से भी अच्छा रहता है एक जगह रहते रहते। तो फिर भैया मुझे बोली कि आप फिर वोल्टास का मत लो, फिर आप एलजी का लो। एलजी का आप क्यों लो फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर इन्होंने मुझे एलजी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ऑफ कर दिए, दिखा दिए, कंप्रेसर हो जाती है। ये इसके अलावा
फिर मैंने LG का AC फाइनल बुक किया है, क्योंकि मैंने दोनों को कंपेयर किया बाय गूगल भी, मैं दोनों का सर्च की, वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब में, उसके बाद मैं निर्णय ली कि नहीं फिर LG का AC लेना ही बेस्ट है। इवन पहले हमारे घर में LG का AC ही था, वो भी काफ़ी अच्छा था, बिजली बिल वगैरह भी कम ही आता था। तो बहन से डिस्कस करी थी तो बहन बोली नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग खड़े होकर टेम्पो का वेट कर रहे थे कि कोई भी टेम्पो जाएगा तो उसको बुक करेंगे हम लोग, और यहाँ से घर तक का मात्र 150 रुपये ले लेगा किराया। तो और मैं, बहन, रिशु, हम लोग तीनों वेट ही कर रहे थे, कम से कम आधा घंटा से वेट कर रहे कि कोई टेम्पो दिख जाए। यहाँ पे टाइम भी काफ़ी हो जा रहा था, मतलब 9:30 बज जा रहा था। देखते हैं सामने से यहाँ पे एक झांकी जा रही है झूले लाल का, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे मतलब गाना बजाते यहाँ पे जा रहे थे। तो फाइनली हमारा सामान ये आ चुका है और यहाँ पे, और हमको टेम्पो भी मिल गया था। उन्होंने पहले 200 रुपये बोला था, मैं बोली भैया 150 ले लीजिए ना, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली में 100 रुपये भी नहीं लगता पास में, लेकिन मैं बोली चलो ठीक है 150 में तो मिल ही जाएगा। तो ये भैया, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे सामान टेम्पो में डाल रहे हैं। तो मैं पहले सोची थी कि शायद ही नहीं आएगा इलेक्ट्रिक जो गाड़ी थोड़ा छोटा रहता है ना, लेकिन भैया बोले नहीं आ जाएगा क्योंकि 2 डब्बा जाएगा आपका इसमें, तो यहाँ पे भी डाल रहे हैं। और इसके साथ मैं जाऊँगी बैठ के, मैं रिशु जाएंगे सामान के साथ बैठ के, और मेरी सिस्टर हमेशा की तरह, क्योंकि हम लोग सामान वगैरह लेते हैं ना, तो मैं सामान के साथ जाती हूँ, मेरी बहन पीछे पीछे गाड़ी में आती है क्योंकि गाड़ी चला के वही हमको लेके आती है। तो यहाँ पे फिलहाल देखिए भैया लोग सामान वगैरह रख रहे हैं और कोऑपरेट बहुत किए हैं साथ में, मतलब मुझे सामान उठा कर रखना नहीं पड़ा। वैसे तो इन लोगों का काम रहता है सामान उठा कर रखने के लिए। फिर बिल वगैरह जो था वो मतलब भैया के हाथ में ही था, फिर मैं, मुझे बिल भी लेना था तो उनको बोली, तो मुझे फाइनली बिल मिल चुका है। यहाँ पे वारंटी है लाइफ टाइम की, गारंटी जो रहता है 1 साल का वो भी है, कुछ भी अगर इशू होता है ख़राब होता है तो फ्री में सर्विस हो जाएगा। बाकी कितने की पड़ी क्या पड़ी मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल बस यहाँ पे हो चुका, अब रिशु को लेके मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ और भैया को बोली हूँ कि एसी वाला कब पहुँचेंगे मेरे घर, तो बोले कल आपके घर में एसी लगाने के लिए आ जाएंगे। तो फाइनली मैं और रिशु यहाँ पे निकल चुके हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स हो रही थी। ये सारा चीज़ें जो है ये मैंने नहीं बाई किया है, ये आप लोगों ने मुझे गिफ्ट किया है, आप लोग जो मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, इन्हीं का ही गिफ्ट है ये, इन्हीं का ही आशीर्वाद है, प्यार है, ये मेरी मेहनत है और आप सबका प्यार और सपोर्ट है जिस कारण से मैं आज ये खरीद सकी हूँ सामान वगैरह। ये मतलब मैं बता नहीं सकती आप, मतलब मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है। ये AC आप सबका, आप सबके नाम, क्योंकि आप सब ने ही मुझे दिया है। और इस बात को मैं हमेशा कहूँगी कि मेरे पास जितनी भी सारी चीज़ें ये सब आप लोगों ने ही मुझे दिया है, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो मैं ये सब कुछ भी नहीं ले पाती, कुछ भी मेरे पास नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ से क्या लेके निकली थी और आज क्या है मेरे पास, और सब के सब आपका दिया हुआ ही है। तो फिलहाल यहाँ पे सामान पहुँच चुका है, मैं रिशु को पकड़ी हुई थी, भैया और बहन इन दोनों मतलब ये थोड़ा बहुत भारी है तो दोनों पकड़ के इसको लिफ्ट के पास रख रहे थे। भैया को बोली थी अब लिफ्ट के पास छोड़ देना, हम लोग सामान घर तक ले जाएंगे। और ये मैंगो है, रिशु मैंगो खाने का बहुत ज़िद कर रही थी, मैंगो बहुत खट्टा मिलता बट फिर भी मुझे लेना पड़ा क्योंकि उसको मैंगो खाना ही है। बहुत थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 घंटे से हम खड़े ही थे इस शॉप से उस शॉप, ऐसा ढूंढ ढूंढ के फाइनली हमने AC लिया। AC डिसाइड किए कि हाँ इसको लेना है, काफ़ी रात भी हो चुकी थी। घर पहुँचते पहुँचते 10 से ज़्यादा हो गया था एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं। फिर घर पहुँच के फिर मुझे खाना भी बनाना था, थक तो बहुत गई थी लेकिन खाना बनाना ज़रूरी था। तो चावल सबसे पहले बना दी थी, तो रिशु को मेरी सिस्टर दूध भात खिला रही थी, और यहाँ पे मैं क्या बनाऊँ, तो बीन्स का भुजिया ऐसे नॉर्मली बना रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा कड़क कड़क करके भूंजते ना, थोड़ा जला जला करके, वो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में बनाने वाली हूँ मैं दाल का भरता, मतलब आपका प्याज लहसुन अदरक टमाटर ये थोड़ा सा अच्छे से भूंज के, फिर जो अपन दाल को सीटी मारते हैं ना उसको सूखा करके वैसे मस्त मिक्स करने से दाल का भरता बन जाता है। पर दाल का जो भरता रहता है ना वो आप बहुत तरीके से बना सकते हो, अलग अलग तरीके से। तो आप लोग से मैं एक दिन जरूर शेयर करूँगी। इसमें कुछ में कच्चा सरसों का तेल डालते हैं, फिर हरी मिर्च भी डालते हैं, सूखी मिर्च भी डालते हैं, बट उस तरीके से मैं कुछ बनाऊँगी नहीं। देखिए 2 चोटी करके दी हूँ और इसकी मौसी यहाँ पर भी उसे खाना खिला दे रही है। अभी बज रहे हैं 11:08, अब मैं अभी भी खाना ही बना रही हूँ। इस इशू का खाना हो जाएगा कम्प्लीट, उसके बाद हमारा हम लोग खाना खाएंगे, बस खाना जल्दी से बन जाए। तो देखिए मैं क्या 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 काट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। प्याज है यहाँ पे, मिर्ची है, लहसुन है, फिर आपका टमाटर हो गया, अदरक हो गया, धनिया पत्ती हो गया, ये सारा चीज़ें मैं दूंगी।
चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज़ तो मैं ज़रूर सीखूँ, हिम्मत कभी नहीं हारना है और हौसला कभी नहीं खोना है। आपकी हिम्मत आप खुद हो, आपका हौसला आप खुद को ही दे सकते हो, क्योंकि लोग ना चात्र की बात आपको बोलेंगे, आपको सुनाएंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको पीछे खींचेंगे। आप अगर आपका अगर टाइम बुरा चल रहा है, थोड़ा सा एम्पैथी बोलेंगे, टाइम बुरा चल रहा है, लेकिन जैसे आपका खुशी का टाइम आता है ना, उस समय देखना आपका आसपास कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि लोग आपसे उस वक्त जलते हैं, है ना। इसलिए कभी किसी की भी परवाह मत करो कि क्या बोलेंगे रिश्तेदार, क्या बोलेंगे दोस्त। आपको जो सही लगता है आप वही करो और अच्छे काम करो। मतलब एक होता ना कि खुद को मोटिवेट करो आगे बढ़ने के लिए। मैंने ये सीखा है कि मैं हार नहीं मानी हूँ, खूब मेहनत करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मतलब खुद को वक्त नहीं दे पाती हूँ मैं, इतना सारा काम रहता है मेरा, ब्लॉगिंग रहता, बिजनेस रहता है, उसके बाद अभी तो रील्स बनाना भी स्टार्ट कर दी, ऊपर से मेरे पास छोटा बच्चा है, उसका 24 आवर्स मुझे केयर करना पड़ता है, फिर घर के भी काम रहते हैं, सारा चीज़ मैनेज करके हैंडल कर रही हूँ। मतलब मैं जानती हूँ कि मेरे पर कितना बड़ा प्रेशर है, एक जिम्मेवारी भी एक बच्चे की, उस अगले साल मुझे स्कूल भी देना है, बहुत सारा चीज़ सोचती हूँ, बहुत सारा चीज़ सेविंग भी करती हूँ, सेविंग कर करके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर रही हूँ। और आप सब ने YouTube में इतना ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, YouTube के बेस पे ही आप सबका प्यार आशीर्वाद से ही धीरे धीरे एक एक करके सारा सामान आप लोग मुझे दे रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो। मतलब क्योंकि अगर YouTube नहीं होता तो शायद मैं वो सारी चीज़ें नहीं ले पाती। तो ये सब आप सभी ने मेरे वीडियो को प्यार दिया, सपोर्ट दिया, जिस कारण से धीरे धीरे एक सामान मेरे पास आ रहा है। इसके बाद पता नहीं क्या लूँगी, होप सो अब थोड़ा कुछ जमा करके साथ में एक गाड़ी ले लो, क्योंकि गाड़ी की बहुत ज़रूरत है। स्कूटी हर हमेशा मतलब चाहिए होता है कहीं पे जाने के लिए। बहन की स्कूटी भी ख़राब हो चुकी है, अब मुझे मेरा पर्सनल स्कूटी लेना पड़ेगा। या जैसे सामान लाने के लिए, साड़ी वगैरह लाने के लिए, पर ऐसा होता है कि पोस्ट ऑफिस से पार्सल जाता है, वो भी तो मुझे जमा करना पड़ता है। अब बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं सोने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जस्ट नींद से उठी हूँ, ब्रश वगैरह कम्प्लीट हो चुका, अब मैं चाय पीने वाली हूँ। और आज फाइनली आ रहे हैं हमारे यहाँ पे भैया एसी लगाने के लिए, और बोले हैं कि 24 घंटे में लग जाता है एसी वगैरह। तो फिर मैं बोली कि मैं नॉर्मल जो अलग इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, उनसे लगवाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी खराबी होगा, डिफेक्ट होगा, तो कंपनी उसका जिम्मेवार नहीं होगा और कंपनी वो ठीक नहीं करेगी। आप अगर कंपनी से एसी ले रहे हो और तो कंपनी का जो आते हैं लगवाने वाले, आप उन्हीं से लगवाइएगा। कभी भी अगर ख़राब होता है, कुछ भी होता है, तो फ्री में आपको सर्विस मिल जाएगी और उसका जिम्मेवार भी उन लोग होंगे, इस तरीके से बोले उन्होंने। तो फिर उन्होंने मुझे स्लीप वगैरह चीज़ बना के दिया। तो फाइनली आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं आप लोग को बयां नहीं कर सकती। और ये सारा चीज़ आप लोग का प्यार, सपोर्ट, दुआ है, आप लोग की वजह से ये सारा चीज़ हुआ है। अभी जाती हूँ, जाके भी चाय वगैरह बन गया है, चाय पीऊँगी। मुर्रा है, मुर्रा बिस्किट मिक्सचर के साथ, ये मिक्सचर ये लहसुन वाला मिक्सचर है, मुर्रा और मिक्सचर। और ये बिस्किट चोरना दीने दिया था, कलकत्ता गए थे ना, वो कुकीज है चोरने। ये है एसी यहाँ पे, ये है, और इसका रेटिंग वगैरह बहुत अच्छा है। और प्राइस वगैरह मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताऊंगी, कितना का था, कितना पड़ा मुझे, है ना। तो फाइनल आज बहुत खुश हूँ, पापा भी बहुत खुश है, पापा को भी बहुत अच्छा लगा। पापा कह रहे थे धीरे धीरे देखना तुम हर चीज़ घर का लोगी, क्योंकि तुम उस घर से खाली हाथ निकली थी और एक भी सामान तुम उस घर से लेके नहीं निकली थी। और जब तुम दोबारा उस घर में गई तो जाके देखती कि तुम्हारा कोई भी सामान उस घर पे नहीं है, वो इंसान मेरा पूरा सामान लेके घर से फरार हो गया। घर का मैं एक गृहस्थी में क्या क्या नहीं होता बताइए, उस गृहस्थी में सारा कुछ था मेरा, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, सोफ़ा, बेड, आलमीरा, हर एक चीज़, आलमीरा भर के मेरा कपड़ा, मेरा ज्वेलरी, किचन में तो एक से एक सामान थे मेरे। मैं बहुत शौकीन थी घर सजाने का, घर में सामान रखने का बहुत शौक था मेरा, पूरा सामान लेके फरार हो गया। एक बैग कपड़ा बस मेरे पास था। तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोग देख लो, दिन रात मेहनत करती हूँ मैं, दिन रात बहुत कम होती हूँ। सुबह मेरे को काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर फ़ोन करते हैं 9 बजे 9:30 बजे, तो हेलो ऐसा बोलती हूँ क्योंकि मैं सो रही होती हूँ, क्योंकि मैं रात भजक के काम करती हूँ। 3 बजे तक मेरा काम, मतलब 3 बजे में बैठ मेरा, क्योंकि कभी कैसे तक मेरे को नींद ही नहीं आता, लेट नाइट सोती हूँ ना तो मुझे नींद ही नहीं आता, कभी कभी टेंशन होती, बेचैनी होती। सुबह 5-6 बजे कभी कभी सो जाती हूँ,
तो कभी ऐसा होता है कि सोती ही नहीं, भी सुबह ऋषि उठती तो मैं भी उठ जाती हूँ, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। तो मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, आप लोग प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, और आप ही लोगों ने मुझे दिया है, मैंने तो लिया ही नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने नहीं लिया, ये आपका एसी है, आप लोगों ने मुझे दिया है। चलिए चाय वाय पी लेती हूँ, फिर चाय पीने के बाद ही मेरा काम शुरू हो जाएगा। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, ये चमक ये धमक उल्फत महक सब कुछ सरकार तुम ही से है। ले जा रही है ये रिशु का डॉक्टर का सेट, मेरी एक सब्सक्राइबर है जो रिशु को गिफ्ट की है, और सुबह से नींद से उठ के डॉक्टर डॉक्टर खेल रही है, उसे चलती है और ऐसा ऐसा करके फीवर चेक करती है, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, है ना, और इंजेक्शन खुद को ही लगाती है। हाँ बिस्कुट खाओ, तो एलो कुकीज खाओ, एलो कुकीज खाओ, पकड़ो, कितना टेस्टी है कुकीज। दूध पियोगे फिर दूध दू उसको, फिर हॉलिक्स के साथ दूध देती हूँ, अच्छे से पिलेगी। ये भी उठ चुकी है, चाय पी रही है। चलिए फिर मैं अपने ब्लॉग एंड बी ए पर करती हूँ, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा मार्केट भी जाना है आज। क्या बेटा, बहुत सारे साड़ी का ऑर्डर आया है, और मतलब काफ़ी लोग साड़ी का ऑर्डर दिए हैं, कम से कम 3 या 4 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर में शादियाँ हैं, तो मेरे से कम 20 भी साड़ी लेना चाहती हैं। तो वही मैं देखने के लिए जा रही हूँ कि शादी के पर्पज से, जैसे मेहमानों को गिफ्ट करने के लिए साड़ी देना होता है, या फिर रिश्तेदारों को, या फिर खुद के लिए ये, और किसी ने मुझसे कॉटन की बहुत सारी साड़ी मंगवाई है, वो भी मुझे देखने जाना है। तो बहुत सारा भी मतलब आप लोग का प्यार सपोर्ट के चलते भी बहुत सारा ऑर्डर्स आ रहे हैं थोक थोक में, और मैं ये पूरा कर पा रही हूँ। मैंने पहले भी पूरा किया है, क्योंकि ऐसे मेरा थोक थोक में काफ़ी सारी साड़ी आपका पंजाब गया है, बिहार गया है, बनारस गया है, थोक थोक के भाव से, थोक थोक मतलब इन द सेंस एक साथ में कम से कम 10-12 साड़ी इस टाइप से। अभी लास्ट टाइम कम से कम 6 पार्सल गोवा, मतलब 6 सामान गोवा में गया है। तो आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से, जैसे मेरे भी कुछ पार्सल निकले हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके, 10-10 साड़ी करके, मैं चाहती हूँ कि ऐसे रोज निकले। मेहनत कर रही हूँ, आप लोग प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, फिर आप सबसे मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।